हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पोंचो स्टाइल शॉर्ट टॉप बनाना बताऊंगी। ये मैंने सिर्फ 1 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है रेयन का। सबसे पहले हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है और ऊपर की साइड से हमारी बंद वाली साइड होनी चाहिए। इसकी लंबाई मैं 15 इंच रखूँगी और ऊपर से हमारी जितनी भी चौड़ाई है हमें पूरी उतनी ले लेनी है। मेरी 16 इंच है और नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का 1/4 भाग लेना है और उसमें हमें सिर्फ 1 इंच ऐड कर देना है। 1 या 1.5 इंच हम उसमें ऐड करेंगे। मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है और सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है और उसी लाइन के ऊपर से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी इस लाइन को हमें ऊपर से राउंड शेप देते हुए हमें इसे ऊपर तक मिला देना है। जिस तरह के आप वीडियो में देख सकते हैं उस तरह से हमें राउंड शेप देना है ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, और लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये मैंने इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर दिया है। अभी इसे हम कट कर देंगे। ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है। बंद वाली साइड से हमें गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। मैंने 3.5 इंच पर निशान लगाया है और बैक नेक की लंबाई में 1 इंच रखूँगी और फ्रंट नेक की लंबाई में 5 इंच रखूँगी। और बैक नेक के लिए हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है और फ्रंट नेक के लिए हम वी शेप ड्रॉ करेंगे। आगे के गले के लिए हमें वी शेप ड्रॉ कर देना है। सबसे पहले हम बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। अभी इसे हम पूरा खोल देंगे। और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से वी शेप ड्रॉ कर देना है। फ्रंट नेक के लिए हमें वी शेप ड्रॉ कर देना है। अब इसे हम कट कर देंगे। हम सिर्फ ऊपर के फैब्रिक की कटिंग करेंगे, पीछे की फैब्रिक की कटिंग हमें नहीं करनी है। इसमें हम जो हमने वी शेप ड्रॉ किया है उसे हम कट कर देंगे। ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है नेक के लिए। इसे हमें टॉप का पार्ट रखना है इसके ऊपर सीधा और इसे ऐसे ही ड्रॉ कर देना है। सबसे पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि ये हमारा फैब्रिक खिसक ना जाए। सभी साइड से हमें इसे पिन से सिक्योर कर लेना है। और जो हमारा अंदर का नेक है उसे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। चॉक की मदद से हमें इसे ड्रॉ कर देना है ऐसे ही। अभी इसे हम उल्टा पलट देंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर देना है। ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है। और अब जो हमने फ्रंट साइड में नेक ड्रॉ किया था उसे भी हम कट कर देंगे अंदर की साइड से। ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी सबसे पहले हमें सभी पिन्स को निकाल देना है और जो हमने नेक कट किया था उसे हम सीधी साइड से रखेंगे। सीधी साइड से रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगा देनी है
और इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए हम स्ट्रिप को अंदर की साइड मोड़ देंगे। ये मैंने इसमें स्ट्रिप अटैच कर दी है फ्रंट और बैक नेक में। अभी जो हमारी साइड की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। जो हमारा साइड का राउंड पार्ट हमने कट किया है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए पूरे राउंड पार्ट में सिलाई लगा देनी है, या फिर आप इसे स्टिच भी करवा सकते हैं। दोनों साइड से राउंड पार्ट को हमें डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। ये मैंने इसमें सिलाई लगा दी है दोनों साइड से। अब हम फ्रंट पार्ट में कट लगाएंगे। फ्रंट पार्ट को हमें डबल फोल्ड करना है और 2 से 3 इंच तक हमें निशान लगा देना है। हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही कट लगाना है और यहाँ पर हम कट लगा देंगे। ये मैंने इसमें कट लगा दिया है और ये मैंने इसी के शेप की स्ट्रिप कट की हुई है। इसे इसके ऊपर रखते हुए हमें सीधी साइड से इसके ऊपर रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगा देनी है और इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए हम पट्टी को अंदर की साइड पलट देंगे। ये मैंने इसमें पट्टी अटैच कर दी है। अभी हमें इसकी फिटिंग करनी है। जो हमने 1 इंच का गेप छोड़ा था वहाँ से हमें ऊपर की साइड से 7 इंच पर निशान लगाना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। हमें सीधी साइड से ही इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। दूसरी साइड से भी हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे से ऊपर की ओर और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे सीधी साइड से। ये मैंने इसमें सिलाई लगा दी है दोनों साइड से। अभी हम नीचे की साइड से बेल्ट अटैच करेंगे। ये मैंने स्ट्रिप ली हुई है, इसकी लंबाई हमें 25 से 30 इंच रखनी है और इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है। सबसे पहले हम इसे फ्रंट साइड से अटैच करते हुए जाएंगे। हमें 10 से 15 इंच पट्टी को एक्स्ट्रा रखना है और वहाँ से हमें इसे स्टिच करते हुए पूरे राउंड में हम इसे स्टिच करते हुए जाएंगे। पूरे टॉप पार्ट में हमें इसे सिलाई लगाते हुए जाना है और दूसरी साइड भी हमारा 10 से 15 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक बचना चाहिए। इसी तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। ये मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। फिर सबसे पहले हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी रखी थी वहाँ से हमें उल्टी साइड पर इसे डबल फोल्ड करना है और इसके एंड पर हम क्रॉस में सिलाई लगाएंगे और फिर सीधी सिलाई हमें वहाँ तक लगानी है जहाँ तक हमारी फिटिंग आती है, वहाँ तक ही हमें इस पर सिलाई लगा देनी है और दूसरी साइड की एक्स्ट्रा स्ट्रिप को भी हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। हमें इसे उल्टी साइड फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है जहाँ तक हमारी फिटिंग है वहाँ तक। ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अभी इसे हम किसी भी नुकीली चीज़ से हम इसे पलट देंगे। ये मैं इसे पेन की मदद से पलट रही हूँ। इसे आप किसी भी नुकीली चीज़ से पलट सकते हैं और इसे हमें सीधी साइड पट्टी को सीधा कर देना है। इसके कोनों को हम अच्छे से बाहर की साइड निकाल देंगे। दूसरी साइड की पट्टी को भी हमें इसी तरह से पलटना है। ये मैंने इसमें दोनों पट्टियों को पलट दिया है सीधी साइड से। अभी जो हमारी पट्टी की बॉर्डर है उसे हमें फोल्ड करते हुए पूरे टॉप पार्ट में सिलाई लगा देनी है। इसकी बॉर्डर को हमें फोल्ड करते हुए जाना है और पूरी टॉप पार्ट में हम इसमें सिलाई लगा देंगे। दूसरे एंड तक हमें इस पर सिलाई लगा देनी है।
ये मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। और इस तरह से हमारी पट्टी फ्रंट पार्ट के ऊपर टाई अप हो जाएगी। आप चाहे तो इससे लंबी पट्टी भी रख सकते हैं। और इस तरह से हमारा फुल सर्कल पोंचो स्टाइल शॉर्ट टॉप बनकर रेडी हो चुका है। और यह है इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। अभी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।